Hi guys, welcome back to my channel Glamour with Neha. I hope you all are doing great. So I'm also good. Today I will be showing you some affordable tops from Myntra. जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं थोड़ी थोड़ी चिपकू लग रही हूँ क्योंकि मैंने बना रखा है बन. आई थिंक बन इज़ लुकिंग गुड ऑन मी. आई थिंक सो आपको क्या लगता है मेरे को बताना है ना, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो मैंने सोचा मैं बन बना लेती हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स गेट स्टार्ट. द फर्स्ट टॉप इज दिस वन. एज यू कैन सी दिस इज़ अ क्रॉप टॉप एक्चुअली, और इसका कलर जो है थोड़ा सा फ्लोरोसेंट टाइप का ये कलर है. और इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 है जैसे कि आपको देख रहे हो. और ये लाइनिंग वाले टॉप को क्या बोलते हैं, अभी मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है. तो हाँ, ये रिप्ड टाइप का टॉप है. इसकी स्लीव्स मुझे थोड़ी सी लूज है, मैंने एक साइज़ जो मैं पहनती हूँ उससे अप मंगाया, क्योंकि जनरली जो रिप्ड टॉप्स होते हैं वो फिटेड आते हैं. होजरी टाइप का जो कपड़ा होता है ना, उस टाइप का इसका कपड़ा है. मैंने इसको ट्राई किया था तो ऐसा मुझे फील हुआ कि ये थोड़ा सा जब टेम्परेचर डाउन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अभी गर्मी के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोटा सा, पता नहीं क्यों मुझे कपड़ा लग रहा है इसका. अदरवाइज इसका लुक काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश सा टॉप है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो उस टाइप का टॉप है. ब्रांड वगैरह मैं मेंशन कर दूंगी. आई जस्ट लव दिस टॉप. बाकी ट्रायल मैं डाल ही दूंगी. तो आपका करंट प्राइस है 600 कुछ, और मैंने इसको बहुत सस्ते में लिया था. आई थिंक 300 के अराउंड में मैंने इसे लिया था. लेकिन Myntra पे जो ऑफर्स होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, तो जब आपको सही लगता हो या जब आपको लगता है हाँ प्राइस के अराउंड वर्थ है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ये हमारा नेक्स्ट टॉप है. इसका कलर है मस्टर्ड येलो. येलो के फैमिली के जो कलर्स होते हैं उनको जब आप पहन लेते हो तो आपका जो फेस है, स्किन टोन है, और ज़्यादा ब्राइटन अप लगने लगता है. सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ येलो फैमिली. इसकी स्लीव्स आपको दिख रही नॉर्मल जैसे आती है हाफ टाइप की वैसी है. और इन्होंने एड ऑन कर रखा है स्टाइलिश पार्ट विच इज़ दिस वेस्ट में, ये इनका ऐसा टाइप का ये बांधने के लिए. मतलब ये पूरा टॉप सिंपल है बट लेकिन इस साइड में इन्होंने ये देख के मतलब टॉप का एकदम लुक ही चेंज कर दिया. और इससे इस चीज़ से ये टॉप जो है बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है पहनने में, सिंपल येट स्टाइलिश. इसकी जो लेंथ है ये भी क्रॉप टॉप है, तो इसका भी साइज़ मैंने अपने लिए M लिया है, कि मैं जनरली जो क्रॉप टॉप्स होते हैं उसमें मैं अपना साइज़ M प्रेफर करती हूँ. अगर आप मेरी जैसे हेल्थ के हो अपने एक साइज़ अप करके लिया करो, बिकॉज आई एम तो नॉट कम्फर्टेबल वियरिंग द सेम साइज, बिकॉज जब बहुत ही ज़्यादा बॉडी हगिंग हो जाता है एकदम परफेक्ट आ रहा है ये मुझे, तो ठीक है, ये अच्छा टॉप है. इसका ब्रांड है क्यों टॉकीज, और इसका भी साइज मैंने बताई थी आपको M मंगाया है. और इसका जो रीसेंट प्राइस है वो जो मैंने लिया था उससे भी कम हो गया. मैंने लिया था इसको 193 में या 198 में, और अभी इसका प्राइस हो गया 188 रुपीज़ ओनली. और ये मतलब काफ़ी वर्थ है, मतलब इतने में तो ये बहुत ही अच्छा टॉप है. तो अगर आप चाहो तो आराम से ले सकते हो. सो आई थिंक दिस इज़ मस्ट बाय, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. थर्ड टॉप है वो हमें देता है बहुत ही समरी काइंड ऑफ वाइब्स. ऐसा कुछ टॉप है जैसे कि आपको थोड़े ये है तो ट्रांजी टॉप, बट जब आप अगर इसको पहनोगे ना तो उतना ट्रांजी ये लगता नहीं है जितना आप विदाउट वियर जब आप देखोगे तब आपको लगेगा. सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस टॉप. और इसका जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक्चुअली, मुझे इसको आई थिंक आलिया कट बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर. कुर्ते में तो आलिया कट बोलते हैं जो इस टाइप का नेक आता है, बट टॉप में बोलते हैं कि नहीं बोलते इस बात का मुझे नहीं पता है. अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन करके मेरे को बता सकते हो. बट इस टाइप का नेक है ये इसका, और बीच में ये टाई अप दे रखा है जो कि बहुत ही क्यूट लगता है. और इसकी जो स्लीव्स है वो फुल है, जो स्लीव्स में आगे की साइड पे इलास्टिक दे रखी. ब्रांड है इसका ड्रेस वेरी, और इसका साइज मैंने एस लिया, तो इसमें जो आपका साइज हो वो आप अपना एग्जैक्ट साइज लो तो चलेगा. रेट 350-400 के अराउंड आई पेड फॉर दिस टॉप, बट अभी इसका प्राइस है आई थिंक 500-600 के बीच में. आप देख लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, है ना. बाकी टॉप अच्छा है, ये घूमने जा रहे हो उस हिसाब से अच्छा टॉप है. तो हो सकता है मैं इसका ट्रायल ना डाल पाऊँ, बिकॉज ये टॉप मैंने लिया था जब मैं वैकेशन पे जा रही थी 2 मंथ्स बैक. तो उस टाइम पे वीडियो बनाया था जो कि वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, तो उतना अगर होगा तो मैं निकाल के यहाँ पे एड ऑन कर दूंगी. अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके चेकआउट कर सकते हो. इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर आपको मुझे वहाँ फॉलो करना है तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो. तो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगाओ, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई विल बी कमिंग बैक विथ सच मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर.
So yeah, bye.